हाय एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करिश्मा XMR 210 का जो स्पीडोमीटर कंसोल है उसके सारे फीचर्स, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एक बार मैं इसका स्वाइप है वो आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन। यहाँ पर आपको जो लो ऑयल प्रेशर की जो लाइट है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, नहीं करी है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है राइड योर लेजेंड, सो दैट इज़ समथिंग कि एकदम एक्साइटमेंट वाली फील आती है आपको जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल का जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाएगा। ये साइड स्टैंड का इंडिकेटर है, ये आपकी इंजन मेलफंक्शन लाइट है जो कि जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तब चली जाएगी। अगर नहीं जाती है दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मोटरसाइकिल। ये आपकी लो ऑयल प्रेशर की जो इंडिकेटर है वो है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल का प्रेशर है वो कम होता है, इंजन ऑयल का लेवल कम होता है, उसकी वजह से प्रेशर कम होता है तो ये लाइट जलेगी। दैट मीन्स कि आपको इंजन ऑयल चेक कर लेना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से हर एक मोटरसाइकिल में आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल्स के इंजन है वो इसी ऑयल प्रेशर स्विच ना होने की वजह से, ऑयल की कमी की वजह से खराब होती हैं। एनीवेज उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। यहाँ पर नीचे आपको जो एम्बियंट सेंसर है, जो लाइट सेंसर है वो मिल जाएगा, जो कि इस स्पीडोमीटर की जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको भी सनलाइट के हिसाब से कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ अगर आपने ऑटो हेडलैम्प का फीचर ऑन रखा हुआ है तो फिर आपकी जो हेडलाइट है ये उसको भी रात के टाइम पर या अंधेरे में जला देगा। तो ये तो हो गई इस साइड की। अब इस साइड आएँ तो इस साइड आपको जो इंडिकेटर्स हैं उनका जो सिग्नल है वो देखने को मिल जाएगा। राइट लेफ्ट दोनों इंडिकेटर्स के लिए यही वाला ग्लो होगा। साथ ही साथ इसमें आपको हेजार्ड का बटन भी मिल जाता है तो हेजार्ड का भी यहीं पर शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो पासिंग फीचर है या फिर हाई बीम आप ऑन करेंगे तब ये जो ब्लू कलर की लाइट आपको ग्लो होती हुई दिख रही है ये दिख जाएगी। जब पेट्रोल का जो लेवल है वो कम होगा तो ये वाली ग्लो करेगी। ये ABS की लाइट है तो अभी बाइक बिकॉज स्टार्ट नहीं है, खड़ी है तो इसलिए ये जल रही है। जैसे ही बाइक चलेगी तो ये लाइट चली जाएगी। अगर ये लाइट नहीं जाती है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ABS सिस्टम। तो ये तो हो गई हमारी साइड वाली टेलटेल लाइट्स। अब बात करते हैं मैन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। अभी बाइक न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल दिखा रहा है। अगर मैं इसको फर्स्ट में स्लॉट करूंगा या फिर सेकंड में स्लॉट करूंगा तो एज यू कैन सी यहाँ पर 2 आ गया। और साथ ही साथ इसमें आपको गियर शिफ्ट करने के लिए भी ये जो इंडिकेटर है ये सजेस्ट करेगा कि आपको कब गियर अप करना है कब गियर डाउन करना है, ताकि जो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी मोटरसाइकिल से वो निकाल पाएं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो कूलेंट टेम्परेचर है वो शो करने वाला है, तो जितने भी बार्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसका टेम्परेचर है वो आप जज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। ये आपका जो RPM का गेज है वो है 10,000 तक इसकी जो रेड लाइन है वो रहने वाली है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो शो करने वाला है, तो जितनी भी स्पीड आपकी मोटरसाइकिल चलेगी वो यहाँ पर किलोमीटर पर आर की रीडिंग में दिखाएगा। इस साइड में आपको जो फ्यूल लेवल है वो देखने को मिल जाएगा, जितना भी फ्यूल होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर ये जो नीचे वाला बार है ये रिजर्व के लिए है, बाकी का जो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की जो क्वांटिटी का फ्यूल रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। ये ओडोमीटर रीडिंग है, यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर 267 है, तो ये टोटल मोटरसाइकिल 267 किलोमीटर चली है ये उसकी रीडिंग है। नीचे की साइड आपको जो भी डे रहेगा वो दिखा देगा, तो ये ट्यूसडे दिखा रहा है आज 29th August 2023। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, आपकी मोटरसाइकिल आपको डेट है वो भी बता देगी। तो ये तो इसके बेसिक फीचर्स हो गए, लेकिन इतना ही नहीं है इसमें। इसमें आपको ये 2 बटन्स देखने को मिलते हैं, इन दोनों बटन्स की हेल्प से आप इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको टॉगल करने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया आपकी ट्रिप ए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ट्रिप का टोटल टाइम 4 hours 36 minutes। ये रही ट्रिप की एवरेज स्पीड 58 km/h। नीचे की साइड रही फ्यूल एफिशिएंसी, तो इस बाइक को काफ़ी रफ चलाया गया तो ये यहाँ पर 25 km/l दिखा रही है। टोटल जो ट्रिप का डिस्टेंस है वो 267.4 km दिखा रहा है। अब हम अगर ट्रिप बी पर जाएं तो ट्रिप बी में भी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको 2 ट्रिप्स मिलती हैं। तो आपको कहीं जाना है तो जाने की आप अलग ट्रिप सेट कर सकते हैं, आने की अलग सेट कर सकते हैं, और उनका जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। सो 2 डेडिकेटेड ट्रिप्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेडिकेटेडली मिलने वाली है, विच इज़ ए क्रेजी गुड थिंग फॉर जो स्पोर्ट्स ट्यूरिंग करते हैं, लॉन्ग ट्यूरिंग करते हैं मोटरसाइकिल्स पर, उनको पता है कि ये कितनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में जो चीज़ आएगी वो आएगी आपका टोटल रेंज, मतलब फुल टैंक पर आपको जो रेंज दिखाएगा उतनी रेंज का आप आइडिया लगा करके चल सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल रीफ्यूल से पहले तक चलने वाली है। उसके बाद में ऊपर आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है वो दिखाने वाला है। फिर से टॉगल करता हूँ तो यहाँ पर आपको नेविगेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन ऑन कर देंगे, तो जहाँ पर भी आपको जाना रहेगा उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पर शो होने वाली हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपकी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि इसकी बैटरी अभी डाउन है क्योंकि लोगों ने ऑन कर रखी थी, इसको स्टार्ट करी नहीं बाइक को, तो बैटरी चार्ज हो नहीं पाई, इसलिए ये 8.1 वोल्टेज दिखा रहा है।
अभी ये 18 हो गया है तो बैटरी लो होने की वजह से थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, बट कोई बात नहीं। तो ये 8.1 वोल्टेज है, साथ ही साथ ऊपर की साइड सर्विस ड्यू इन 482 किलोमीटर्स। तो ये बाइक 267 चल चुकी है, तो बचे हुए 482 और बचे हुए हैं, फिर इसकी सर्विस आ जाएगी। तो इसका सर्विस इंटरवल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसको मैं फिर से टॉगल करूंगा तो यहाँ पर ये आपको अपेयरेंस आएगा, मींस जो इस मोटरसाइकिल में जो फीचर है ऑटो हेडलैम्प वाला, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो एस वाला बटन है उसे टॉगल करके ये निकाला है, तो इसमें आप डे नाइट ये सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से हम उसी स्क्रीन पर आ गए। तो ये थे गाइस सारे के सारे फीचर्स जो कि आपको करिश्मा XMR 210 के स्पीडोमीटर कंसोल में देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इनमें से कौन सा फीचर जो है वो सबसे अच्छा लगा, साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं वो भी बताइएगा। और प्राइस जो है वो 1,72,900 रुपीज़ में हीरो ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कराया विद सम क्रेजी स्पेसिफिकेशंस। तो कमेंट में बताइए कि हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस मोटरसाइकिल और आप इसको परचेस करने वाले हैं या नहीं।